थैंक यू गोपाल भैया। गोपाल भैया ने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष ही हम कलाकारों की सबसे बड़ी पूंजी होती है, वही हमें मजबूत करती है। और सबरंग फिल्म अवार्ड जो है ये केवल भोजपुरी ही कलाकार का नहीं बल्कि हिंदी इंडस्ट्री के भी उन महान पर्सनालिटी का सम्मान करती है जिन्होंने अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल किया है जो मुकाम तक पहुंचना सबके लिए बहुत बड़ा सपना होता है। और ऐसी पर्सनालिटी को मंच पर बुलाना होगा जो पर्सनालिटी के आने से मंच वैसे ही गौरवान्वित हो जाने वाली है। तो हम अपने स्वामी जी गुरु जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे। अब उस नाम को मंच पे बुलाने जा रहा हूँ जो अपने आप में इतना बड़ा सम्मान है, वो नाम में इतना नाम बड़ा सम्मान है जिनका इस मंच पे आने के बाद इस मंच का सम्मान बढ़ जाए, मंच गौरवान्वित हो जाए। बहुत ज्यादा उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, पूरी दुनिया जानती है उनको। उनका नाम है बप्पी लहरी, बप्पी दा, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबरंग फिल्म समारोह देने जा रहा है। बप्पी दा, बप्पी दा का बहुत 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 स्वागत है इस मंच पे। सब रंग फिल्म अवार्ड आपसे गुजारिश है कि आप दो शब्द अपनी आवाज में, अपनी गुनगुनाहट में कुछ हम सब की तरफ से आग्रह करता हूं। दो लाइन तो आपकी तरफ से, दो लाइन आप। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इट्स माय प्रिविलेज सबरंग फिल्म अवार्ड के लिए जो हमको आमंत्रण किया। कलकत्ता में मैं माने जन्म हुआ तो भोजपुरी का साथ मैं बहुत ग्रोनअप हुआ, बड़े हुए। मैं तो आ गया 48 ईयर्स हो गया मैं बॉलीवुड में हूँ। आई ऑलवेज लव भोजपुरी फोक एंड भोजपुरी सॉन्ग, एक्सलेंट। उसका एक लचक है, अलग ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूजिकल पर्सनैलिटी। और मेरा भाई रवि किशन जी, थैंक यू वेरी मच। सभी कलाकार एंड गुरु जी नमस्ते, सब लोग आपको प्रणाम। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभय जी बैठे हैं, एक पिक्चर किया मैंने योद्धा। संगीत का कोई भाषा नहीं होता है। आई हैव जस्ट कॉम्प्लीटेड 651 फिल्म। तो अभी भी आज यहाँ आके मेरा मन भर गया। मैं भी एक ही बात कहूँगा, कभी भी भोजपुरी फिल्म अवार्ड के लिए, सबरंग फिल्म अवार्ड के लिए कभी भी कुछ काम हो, बप्पी लहरी आप लोगों को साथ है। ये मेरा वादा है कि मैं लास्ट ईयर एक महीना में 5 लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, चाहे फिल्म फेयर हो चाहे इंटरनेशनल फिल्म फेयर। लेकिन भोजपुरी का जो है ना, आप लोग का जो हृदय है, आपको जो दिल है, बहुत सुंदर है, बहुत इमोशन है। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच अगेन टू कॉल मी हियर। नमस्कार, वी ऑल लव यू टू। कुछ दो शब्द गुनगुना दे बप्पी दा, सबका आग्रह है। दिल में हो तुम,
पूजा करूं सजदा करूं जैसी कहूं वैसे जाऊं Brother Bhajpuri, I love you. I love you. I love you. All the young generation sitting here. Aur dada gaayenge aur main naachunga. अटरिया पे लोटन कबूतर रे गुटुर 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 पंछी दीवाना पाए जहां दाना आयो ही मुड़ मुड़ के अटरिया पे है अटरिया पे है अटरिया पे लोटन कबूतर लोटन कबूतर रे क्या बात है थैंक यू आप लोग को प्यार थैंक यू वेरी मच थैंक यू बाबू गॉड ब्लेस बहुत अच्छा मैं एक बात बोलूंगा बापीदा आज आप लोग को सामने 48 इयर्स काम कर रहे हैं मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते रहता हूं एक ही बात के लिए प्यार के लिए दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे
दे समय की कमी है नहीं तो अब ये सिलसिला चलता ही रहना चाहिए। अब अगला जो हमारा अवार्ड है हमारी पार्टनर चली गई क्या? लगता है चली गई वो चली गई आपके लिए देके गई रवि जी आपके लिए ये स्मृति जाते जाते बोली कि रवि जी को मेरी तरफ से दे देना। रवि जी प्लीज रवि जी आप ये ग्रहण कर ले सच में देके गई है। अगला अवार्ड है पूर्वांचल अस्मिता सम्मान जो SMT सोनिया संजय सिन्हा को मिलने जा रहा है। श्रीमती सोनिया संजय सिन्हा जी बहुत बहुत बधाई हो सोनिया जी। और दूसरा जो भोजपुरी अस्मिता सम्मान मिलने जा रहा है डॉक्टर संजय सिन्हा जी। डॉक्टर संजय सिन्हा जी आप प्लीज मंच पे आए और भोजपुरी अस्मिता सम्मान ग्रहण करें। बपीदा के हाथ हो, रवि जी के हाथ हो, खेसारी जी के हाथ हो, स्वामी जी के हाथ हो, संभावना जैसे हसीन के हाथ हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा सब, मुझे मालूम है कि तेरे पास भी बंधन है, मेरे पास भी बंधन है। बहुत बहुत मुबारक हो संजय जी। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी गणमान्य अतिथि हैं खेसारी जी, रवि जी, संभावना जी, बपीदा, नहीं आपके लिए रवि जी, आपके लिए रियली। अब क्या करना उसका आप जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बढ़ते हैं अगले इसी तरह के कुछ रोमांचक एक सनसनीखेज डांस आइटम की तरफ जो हमारे सामने पेश कर रही हैं मोहिनी घोष और किरण जी।